हेलो डियर एवरीवन, मैं हूं संजय राय भट्ट और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय एसआरबी में। हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली का एकीकरण। तो यहां पर यह बता दूं कि इटली 7 किंगडम्स में बटे हुए थे, जहां पर अलग अलग शासक वहां पर शासन कर रहे थे जो इटली के मूलतः नहीं थे, लेकिन एक ऐसा स्टेट था जहां पर वहां के प्रिंसली हाउस का ही शासन था, इटली के ही प्रिंसली हाउस का शासक था, सार्डिनिया पिडमोंट का किंगडम। तो यह सार्डिनिया पिडमोंट का ही एकमात्र ऐसा किंगडम था जहां पर इटली के ही प्रिंसली हाउस का शासन था, और बाकी अदर स्टेट्स में बाहर के लोगों का कब्जा था, बाहर के लोगों का शासन था। अब किन किन लोगों का शासन था इस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉर्थ इटली में ऑस्ट्रिया का शासन था, यानी कि ऑस्ट्रिया के शासकों का कब्जा वहां पर था। यदि हम सेंट्रल इटली की बात करें तो सेंट्रल इटली में पोप का शासन था, और साउथ इटली में स्पेन के बॉर्बन डायनेस्टीज के शासकों का शासन था। तो ये था इटली का कंडीशन, यह थी इटली का सिचुएशन। अब यदि इटली को यूनिफाई करना है, एकीकरण करना है, तो इसके लिए इन तीनों शक्तियों को हराने की आवश्यकता थी, और इस काम के लिए आगे आए चार लोग। तो पहला था सार्डिनिया पिडमोंट का शासक विक्टर इमैनुएल सेकेंड, दूसरा व्यक्ति था चीफ मिनिस्टर माउंट कैवर, तीसरा व्यक्ति था मेजनी, और चौथा व्यक्ति था गैरिबाल्डी। इन्हीं चार लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है इटली के एकीकरण में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजनी को। तो मेजनी ने क्या किया, मेजनी ने एक संगठन बनाया यंग इटली, और इसी संगठन के माध्यम से लोगों के बीच में नेशनलिज्म के फीलिंग को बढ़ाया, राष्ट्रीयता के भावना का प्रचार प्रसार किया, और लोगों को यूनिफिकेशन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। अब हम लोग बात करते हैं माउंट कैवर की। तो माउंट कैवर ने क्या किया इटली के यूनिफिकेशन में, तो माउंट कैवर ने 1859 में ऑस्ट्रिया पर हमला किया, और ऑस्ट्रिया को हराकर नॉर्थ इटली और सेंट्रल इटली के सारे किंगडम्स को अपने कब्जे में किया, अपने अंडर में किया, और ऑस्ट्रिया को हराकर ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इन स्टेट्स को जो कि नॉर्थ इटली में था और सेंट्रल इटली में थे, इन सभी किंगडम्स को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से फ्री किया, मुक्त करा दिया। अब बात करते हैं हम लोग गैरिबाल्डी की। तो गैरिबाल्डी ने क्या योगदान दिया, गैरिबाल्डी ने नेक्स्ट ईयर यानी कि 1860 में साउथ इटली के किसानों का समर्थन प्राप्त किया, और साउथ इटली के किसानों का समर्थन लेकर के वहां पर राज कर रहे स्पेनिश रूलर को मारकर वहां से भगा दिया गया। जब गैरिबाल्डी ने स्पेनिश शासकों को साउथ इटली से मारकर भगा दिया, तो अब यूनिफिकेशन का रास्ता साफ हुआ, और यूनिफिकेशन के काम में जो बाधाएं थी उन बाधाओं को अब समाप्त कर दिया गया। अब नॉर्थ इटली और साउथ इटली दोनों जगहों से बाहरी शासकों को मार भगा गया, और अब इस प्रकार से इटली का एकीकरण का काम पूरा हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का काम पूरा हुआ, और इसके बाद इस यूनिफाइड इटली का राजा घोषित कर दिया गया विक्टर इमैनुएल को, और इस प्रकार से पूरा एकीकरण का काम, यूनिफिकेशन का काम कंप्लीट हुआ। ये इस टॉपिक का समरी पार्ट था, इसमें ब्रीफली आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में बताया गया है। किसी भी डाउट के लिए या सजेशन के लिए फ्रीली कमेंट करें हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय एसआरबी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।